हेलो स्टूडेंट्स, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंस्टीलेशन ऑफ ड्रग। इंस्टीलेशन इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिक्विड फॉर्म ऑफ ड्रग ड्रॉप बाय ड्रॉप। इंस्टीलेशन एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है कि जो लिक्विड फॉर्म में ड्रग होती है उनको ड्रॉप बाय ड्रॉप इंस्टीलेट करना। डिफरेंट ड्रग इंस्टीलेट आर नेजल इंस्टीलेशन, आई इंस्टीलेशन एंड ईयर इंस्टीलेशन। नेजल इंस्टीलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन ड्रॉप बाय ड्रॉप इनटू नोज। आर्टिकल्स क्या क्या चाहिए? ट्रे, ड्रॉपर, ग्लव्स एंड मेडिसिन। प्रोसीजर ऑफ इंस्टीलेशन, परफॉर्म हैंड वॉशिंग, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू क्लियर और बिलो नोज जेंटली, पोजिशन द पेशेंट सुपाइन पोजिशन विद हेड बैकवर्ड, टेक द मेडिसिन इन ड्रॉपर, एडमिनिस्टर ऑफ नेजल ड्रॉप एंड हैव पेशेंट रिमेन इन सुपाइन पोजिशन 5 मिनट्स एंड रिप्लेस द आर्टिकल्स एंड डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर। तो ये इमेज है नेजल इंस्टीलेशन की, इस तरह से इंस्टीलेट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आई इंस्टीलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन ड्रॉप बाई ड्रॉप इन टू आईज। आर्टिकल्स क्या क्या चाहिए? ट्रे, बोवल, कॉटन स्वैब, ड्रॉपर, ग्लव्स, मेडिसिन एंड किडनी ट्रे। प्रोसीजर ऑफ आई इंस्टीलेशन इज परफॉर्म हैंड वॉशिंग, पोजिशन ऑफ पेशेंट, आस्क पेशेंट टू लाइन सुपाइन एंड सीट बैक इन चेयर विद हेड स्लाइटली हाइपर एक्सटेंडेड एंड वाइप द आई विद कॉटन बॉल फ्रॉम इनर कैंथस टू आउटर कैंथस, टेक द मेडिसिन एंड एक्सपोज द लोअर कंजक्टाइल सेक बाय प्लेसिंग द थंब और फिंगर ऑफ नॉन डोमिनेंट हैंड ऑन द क्लाइंट चिक बोन जस्ट बिलो द आई एंड जेंटली ड्रॉइंग डाउन द स्किन ऑफ द चिक्स एंड एडमिनिस्टर द मेडिकेशन ड्रॉप इन टू कंजक्टाइल सेक एंड आफ्टर इंस्टॉलेटिंग ड्रॉप आस्क पेशेंट टू क्लोज आई जेंटली एंड रिप्लेस द आर्टिकल्स एंड डॉक्यूमेंट्स द प्रोसीजर। नेक्स्ट इज ईयर इंस्टीलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन ड्रॉप बाई डोर इन टू ईयर। आर्टिकल्स इज ट्रे, ड्रॉपर, ग्लव्स एंड मेडिसिन। पर प्रोसीजर परफॉर्म हैंड हाइजीन, प्लेस पेशेंट इन साइड लाइन पोजिशन, स्ट्रेटनिंग ईयर कैनल बाय पुलिंग ओरिकल डाउन एंड बैकवर्ड फॉर चिल्ड्रन यंगर देन 3 ईयर। मतलब जो थ्री ईयर से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो ईयर होगा उसको वो जो ईयर का ओरिकल होगा उसको डाउनवर्ड और बैकवर्ड पुश करके फिर जो मेडिसिन है वो इंस्टीलेट करनी है। और जो 3 साल से बड़े, 4 साल से बड़े बच्चे होते हैं और अडल्ट होते हैं उनके लिए जो ईयर है उसको अपवर्ड एंड आउटवर्ड करना होता है। इंस्टील प्रिस्क्राइब्ड ड्रॉप्ड होल्डिंग ड्रॉपर 1 सेंटीमीटर अबव द कैनल, आस्क पेशेंट टू रिमेन इन साइड लाइन पोजिशन 2 to 3 मिनट, रिप्लेस द आर्टिकल एंड डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर। नेक्स्ट इज इरीगेशन, सम मेडिकेशन आर यूज टू इरीगेट और वाश आउट ए बॉडी कैविटी। कॉमनली यूज इरीगेटिंग सोल्यूशन आर स्टेराइल वाटर, सेलाइन और एंटीसेप्टिक सोल्यूशन ऑन द आईज, ईयर एंड ब्लैडर। इरीगेशन क्लीन्स एन एरिया, इरीगेशन, नेक्स्ट हम इरीगेशन पढ़ते हैं। इरीगेशन क्या मतलब है? एरिया को क्लीन करना, बॉडी कैविटी को क्लीन करना, बॉडी कैविटी को इरीगेट करना, वॉश आउट करना, ठीक है। और जो कॉमनली जो सॉल्यूशन यूज में लिया जाता है इरीगेशन के लिए, स्टेराइल वाटर या सेलाइन या एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन काम में लिया जाता है। तो सबसे पहले आई इरीगेशन, एंड आई इरीगेशन इज एडमिनिस्टर टू वॉश आउट द कंजक्टाइवल सेक टू रिमूव सिक्रीशन और फॉरेन बॉडीज और टू रिमूव केमिकल्स दैट मे बी इंजरी इन द आई। आर्टिकल्स क्या क्या चाहिए हाई इरीगेशन के लिए? स्टेराइल इरीगेटिंग सॉल्यूशन वॉर्म टू 37 डिग्री सेल्सियस, डिस्पोजेबल ग्लव्स,
कॉटन बॉल्स एंड स्टेराइल इरीगेटिंग सेट, स्टेराइल कंटेनर एंड इरीगेटिंग ट्यूब एंड इरीगेटिंग सीरेंज एंड इमेसिस बेसिन और किडनी ट्रे एंड मैकिनटॉस एंड टॉवल. प्रोसीजर, एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द क्लाइंट. अरेंज ऑल आर्टिकल्स, वॉश हैंड्स, हैव द क्लाइंट सिट ऑन लाई विद एन हेड टिल्ट टुवर्ड द साइड ऑफ अफेक्टेड आई. प्रोटेक्ट द क्लाइंट एंड द बेड विद मैकिनटॉस. क्लीन द लीड्स एंड द लेसेस विद द कॉटन बॉल मॉइस्चर विद नॉर्मल सेलाइन और द सॉल्यूशन ऑर्डर फॉर द इरीगेशन. वाइप अनोदर द इनर कैंथस टू द आउटर कैंथस एंड डिस्कार्ड द कॉटन बॉल्स आफ्टर ईच वाइप्स. प्लेस द इमेसिस बेसन या फिर किडनी ट्रे एट द चिक ऑन द बेस साइड ऑफ द अफेक्टेड आई टू रिसीव द इरीगेटिंग सोल्यूशन. एक्सपोज द लोअर कंजक्टाइवल सैक. होल्ड द इरीगेट अबाउट 2.5 cm या 1 inch फ्रॉम आई. डायरेक्ट द फ्लो ऑफ सोल्यूशन फ्रॉम द इनर कैंथस टू द आउटर कैंथस अलोंग द कंजक्टाइवल सैक. इरीगेट अंटिल द सोल्यूशन इज क्लियर और ऑल द सोल्यूशन हैज़ बीन यूज. ओके, उसके बाद इरीगेशन के बाद में एरिया को ड्राई करना है कॉटन बॉल से या गोज स्पंज से. ठीक है, और क्लाइंट को टॉवल भी दे सकते हैं ताकि वो अपने फेस और नेक को क्लीन करें. ठीक है, हैंड वॉश करने हैं, उसके बाद में आर्टिकल्स और डॉक्यूमेंट्स करने हैं प्रोसीजर को. डिफरेंट टाइप ऑफ इरीगेटिंग सीरीज. इरीगेशन के लिए डिफरेंट टाइप की सीरीज काम में ली जाती हैं, जैसे कि पहली एसेप्टो सीरीज. ठीक है, रबर बल्ब, पिस्टन सीरीज एंड पोमेरी सीरीज. नेक्स्ट है ईयर इरीगेशन. तो ईयर इरीगेशन का क्या मतलब है, जो एक्सटर्नल ईयर कैनाल है उसमें सॉल्यूशन को एडमिनिस्टर करके जो भी सिक्रीशन है या फॉरेन बॉडी है उसको या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है उसको रिमूव करना. इसमें क्या क्या आर्टिकल चाहिए, स्टेराइल इरीगेटिंग सॉल्यूशन चाहिए जिसको टेम्परेचर 37 degrees Celsius हो, डिस्पोजेबल ग्लव्स चाहिए, कॉटन बॉल्स, स्टेराइल इरीगेटिंग सेट, स्टेराइल कंटेनर एंड इरीगेटिंग ट्यूब एंड इरीगेटिंग सीरीज एंड किडनी ट्रे, मैकिनटॉस, टॉवल. प्रोसीजर इज एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर पेशेंट को, सारे आर्टिकल्स को अरेंज करना है, हैंड वॉशिंग करना है. ठीक है, और मैकिनटॉस का यूज करना है ताकि प्रोटेक्ट द क्लाइंट एंड द बेड विद मैकिनटॉस. ठीक है, ताकि बेड में गंदा होने से बचे तो मैकिनटॉस का यूज करना है. एक्सप्लेन दैट द क्लाइंट में एक्सपीरियंस ए फीलिंग ऑफ फुलनेस, वॉर्म एंड ओकेजनली कम्फर्ट विद द फ्लूड कम इन कॉन्टेक्ट विद द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन. ठीक है, क्लाइंट को एक्सप्लेन करना है कि उसको कुछ भी फीलिंग ऑफ फुलनेस ऑफ वॉर्म्थ लगे या फिर डिस्कम्फर्ट लगे तो वो तुरंत बता दें. और क्लाइंट को असिस्ट करना है फॉर सिटिंग और लाइनिंग पोजिशन में विद हेड टिल्ट फॉरवर्ड द अफेक्टेड ईयर. उसके बाद में जो इमेसिस बेसिन है, किडनी ट्रे है, उसको ईयर के पास में प्लेस करना है. उसके बाद में जो सीरीज है उसको फिल करना है सॉल्यूशन से और स्ट्रेटिंग द ईयर कैनाल को स्ट्रेट करना है और एडमिनिस्टर द फ्लूड. उसके बाद में कंटिन्यू स्टिलेटिंग द फ्लूड अंटिल ऑल द सॉल्यूशन इज यूज्ड और अंटिल द कैनाल इज क्लियर. ठीक है, तो कंटिन्यू इंस्टिलेशन करना है जब तक कि सॉल्यूशन ख़त्म ना हो जाए सीरीज का और जब तक कैनल जो है ईयर कैनल है वो क्लीन ना हो जाए. उसके बाद में पेशेंट को असिस्ट करना है साइड लाइन पोजिशन के लिए ऑन द अफेक्टेड साइड ऑफ कंप्लीट ड्रेनिंग ऑफ फ्लूड. उसके बाद में ड्राई एरिया को ड्राई करना है विद कॉटन बॉल्स और टॉवल, हैंड वॉश करने हैं, उसके बाद में आर्टिकल्स को रिप्लेस करना है और प्रोसीजर को डॉक्यूमेंट करना है. उसके बाद नेक्स्ट है ब्लैडर इरीगेशन. ब्लैडर इरीगेशन का क्या मतलब होता है, ब्लैडर को वॉश आउट करना. समटाइम्स टू अप्लाई ए मेडिकेशन टू द ब्लैडर लाइनिंग और समटाइम्स क्या होता है कि मेडिकेशन
जो है वो भी अप्लाई की जाती है ब्लैडर लाइनिंग पे, ठीक है, थ्रू ब्लैडर इरिगेशन। टू मेथड होते हैं इसके, ओपन मेथड एंड क्लोज मेथड। क्लोज मेथड ब्लैडर इरिगेशन का क्या, क्लोज ब्लैडर इरिगेशन अरेंज और आर्टिकल हैंड वॉश और उसके बाद में अप्लाई क्लीन ग्लोव्स एंड क्लींसिंग द पोर्ट विद एंटीसेप्टिक स्वैब। कनेक्ट द इरिगेशन ट्यूब टू द इनपुट पोर्ट ऑफ द थ्री वे कैथेटर। इरिगेट द ब्लैडर बाय अलाउइंग द इरिगेटिंग फ्लूड इनटू ब्लैडर। एडजस्ट द फ्लो रेट एंड इरिगेट फ्लूड बैक फ्रॉम द ब्लैडर टू कलेक्टेड द यूरिनरी बैग। वॉश हैंड एंड रिप्लेस ऑल आर्टिकल एंड डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर थ्रू दिस ट्यूब्स। ब्लैडर इरिगेशन विल बी डन। प्रोसीजर इज ब्लैडर इरिगेशन, इसमें इरिगेटिंग बैग है, उसके बाद में ड्रिप चैम्बर है, उसके बाद में जो ये क्लैंप है ब्लैड, ठीक है, जो ट्यूबिंग है जो कि इरिगेटिंग पोर्ट से कनेक्टेड है, उसके बाद में पोर्ट ऑफ इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन ऑफ कैथेटर बैल्यून, ठीक है, और ट्यूबिंग फ्रॉम ब्लैडर, ये ब्लैडर से आ रही है ट्यूबिंग जो कि इरिगेटिंग फ्लूड को या ड्रेनेज को यहाँ पे नीचे कलेक्ट करती है नीचे ड्रेनेज बैग में, ठीक है। उसके बाद में ओपन ब्लैडर इरिगेशन कैसे होता है, अरेंज ऑल आर्टिकल, वॉश हैंड, अप्लाई क्लीन ग्लव्स, क्लींसेस द पोर्ट विद एंटीसेप्टिक स्वैब, डिस्कनेक्ट कैथेटर फ्रॉम ड्रेनेज ट्यूब एंड प्लेस द कैथेटर एंड इन द स्टेरल बेसिन, प्लेस द स्टेरल प्रोटेक्टिव कैप ओवर द एंड ऑफ ड्रेनेज ट्यूबिंग, ड्रॉ द प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ इरिगेटिंग सॉल्यूशन इनटू सिरिंज, देन इंसर्ट द टिप ऑफ सिरिंज इनटू द कैथेटर ओपनिंग, जेंटली एंड स्लोली इंजेक्ट द सॉल्यूशन इनटू कैथेटर, रिमूव द सिरिंज एंड अलाउ द सॉल्यूशन इन ड्रेन बैक इनटू बेसिन, कंटिन्यू द इरिगेट द क्लाइंट ब्लैडर एंड अंटिल टोटल अमाउंट टू बी इंस्टिल्ड हैज़ बीन इंजेक्टेड और व्हेन फ्लूड रिटर्न आर क्लियर, रिमूव द प्रोटेक्टिव कैप फ्रॉम द ड्रेनिंग ट्यूब एंड वाइप द एंटीसेप्टिक स्वैब, रिकनेक्ट द कैथेटर टू ड्रेनेज ट्यूबिंग, रिमूव द डिस्कार्ड ग्लव्स, परफॉर्म हैंड हाइजीन, रिप्लेस ऑल आर्टिकल्स एंड डॉक्यूमेंट्स द प्रोसीजर। उसके बाद में नेक्स्ट है इनहेलेशन मेडिकेशन। इनहेलेशन मेडिकेशन देखते हैं, जो इनहेल करने वाली मेडिकेशन होती है, नेबुलाइजर डिलीवर मोस्ट मेडिकेशन एडमिनिस्टर थ्रू द इनहेलर रूट। जो नेबुलाइजर होता है, नेबुलाइजर मशीन होती है जो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये बहुत सी मेडिकेशन को इनहेलेशन के थ्रू एडमिनिस्टर करती है। ए नेबुलाइजर इज यूज टू डिलीवर ए फाइन स्प्रे ऑफ मेडिकेशन और मॉइस्चर टू ए क्लाइंट। द मीटर डोज इनहेलर या MDI इज ए प्रेशराइज कंटेनर ऑफ मेडिकेशन दैट कैन बी यूज बाई द क्लाइंट टू रिलीज द मेडिकेशन थ्रू ए माउथ पीस। ओके, थैंक यू।